हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों एग्जाम में 100%। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप अपना स्कोर चेक कीजिए। डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। सेट सी का अभ्यास 7 है। इस प्रकार की 16 से 17 सेट है, जिसमें प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास हैं। एंड 6 से 7 हज़ार क्वेश्चंस आपके, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPTGT PGT हो, UPLT ग्रेड हो, MPTET हो या अदर स्टेट के TGT PGT हो, सभी के लिए मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वन लाइनर क्वेश्चन, सभी चीज़ें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, मिल जाएंगे। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आप सभी अपना स्कोर चेक कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारे शरीर में लिगामेंट नामक मुलायम ऊतक का क्या कार्य है। जैसा कि आप जानते हैं, जो लिगामेंट होता है दो हड्डियों को जोड़ों पे जोड़ता है। जैसे हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे जो ज्वाइंट होती हैं जो वो अच्छे से काम करती है, हमारे शरीर के जो डिसलोकेशन होता है, खिंचाव नहीं होता है, अलग नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा जोड़ों की डिसलोकेशन को रोकना। ये क्या करता है, लिगामेंट नामक मुलायम ऊतक जो है जोड़ों पर क्या करता है, हमारे जोड़ की जो डिसलोकेशन है उसको रोकता है। यहाँ पे आंशिक रूप से सभी को आंसर जो है आपके सभी ऑप्शन सही है, पर सबसे ज़्यादा सही है आपका जोड़ों के डिसलोकेशन को रोकना। डिसलोकेशन होता क्या है, जैसे हमारे कंधे या कुल्हे का जो जोड़ है, कभी कभी क्या होता है किसी चोट की वजह से या किसी कारण की वजह से अपने स्थान से हट जाता है, तो उसी को कहते हैं डिसलोकेशन। जो हमारे लिगामेंट होता है जोड़ को बांधे रखता है, जिसे डिसलोकेशन कम होता है, उसको रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मानव ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो इस बात को बोले हैं हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का जनक भी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल की गेंद दबाने पर कठोर लगती है, तो सॉफ्ट बॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वसा यानी फैट के पाचन में कौन मदद नहीं करता, कौन नहीं करता, ये आपको बताना है। तीन इसमें से करता है और एक नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका जो बाइल जूस होता है यानी पित्त रस एंड लाइपेज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज, ये तीनों के तीनों फैट्स को पचाने में मदद करते हैं, वसा को पचाने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एमाइलेज है यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसलिए यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। जो बाइल है, जो बाइल है यानी कि जो पित्त रस है, इसका निर्माण होता है यकृत यानी लीवर में, यह इकट्ठा होता है गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय में, और जो हमारे छोटी आंत की पहली भाग होता है डेडुनम, जहाँ से अमाशय और अमाशय से आने वाले भोज्य पदार्थ आते हैं छोटी आंत में, वहीं पे पैंक्रियाज की नली यानी अग्नाशय की नली एंड पित्तरस की नली दोनों जुड़ी रहती है डोडिनम वाले भाग में। वहाँ पे पित्ताशय से पित्तरस यानी बाइल आता है जो फैट को पचाने में मदद करता है, और आपका जो लाइपेज होता है वो अग्नाशय से आता है, जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है यह आपका अमाशय से निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अमाशय से तीन एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का पाचन करता है, रेनिन जो है दूध का पाचन, दूध को कैसीन में बदलता है, और जो पैंक्रियाज है जो आपका अग्नाशय है, इसमें आपका एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, प्रोटीन का पाचन करता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, भोजन का पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ होता है। मुख में हमारे लार ग्रंथियों से निकलने वाले टाइलिन एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, उसके बाद जाता है अमाशय में। जैसा कि पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन व पूर्ण अवशोषण होता है छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मनुष्य के लिए क्या घातक है। दोस्तों, यहां पे आपका सही हो जाएगा LDL की मात्रा बढ़ जाना, ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ा घातक हो जाता है, क्योंकि LDL का फुल फॉर्म होता है
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और HDL का मतलब फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। या कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल दो मात्रा, दो कोलेस्ट्रॉल जो है दो भागों में बटा गया है, LDL और HDL। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी मात्रा बढ़ जाने से हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा घातक होने की संभावना होती है। ये हमारे ब्लड रक्तवाहिनियों को ब्लॉक्स कर देता है, हृदय धड़कन को प्रभावित करता है, हार्ट अटैक को बढ़ाता है। वहीं पे आप HDL जो होता है वह अच्छा, शरीर के लिए अच्छा होता है, ठीक है, शरीर के लिए अच्छा होता है। तो आप याद रखिएगा LDL जो है शरीर के लिए घातक है, इसकी मात्रा कम होनी चाहिए शरीर में, और HDL की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ये शरीर के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से क्या विषम है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल एंड बिलियर्ड्स। तो जैसे कि आप जान रहे हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल ये सब ग्राउंड में खेले जाते हैं, बस बिलियर्ड्स एक मेज पे खेला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में है, ओलंपिक स्टेडियम, पैनाथोनिक एंड वर्ल्ड नेस्ट, ये सब विदेशों से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे आपका विषम कौन है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आपका विषम है। नेक्स्ट है, निम्न में से सीखने के नियम किसने दिया? तो दोस्तों यहाँ पे रूस के फिजियोलॉजिस्ट थे आपके पावलोव, जिन्होंने कंडीशन थ्योरी दिया था, जबकि सीखने के नियम दिए हैं थार्नडाइक ने। थार्नडाइक थे आपके पेरू के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के थे? पेरू के। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को सीखने के सिद्धांत हेतु रसिया का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसको दिया गया था दोस्तों? यह दिया गया था पावलोव को, पावलोव को दिया गया था रसिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन या प्रतिबद्ध अनुक्रिया का सिद्धांत, या इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है, इन्हीं इसी पर इनको नोबेल पुरस्कार रसिया का सबसे पहला मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि की चोट नहीं है? तो यहाँ पे डिसलोकेशन, ब्रसाइटिस, स्प्रेन, ये तीनों की तीनों आपके संधि यानी ज्वाइंट्स की चोट हैं, बट स्ट्रेन आपका नहीं है। डिसलोकेशन क्या होता है? अपने स्थान से हड्डी का खिसक जाना। स्प्रेन क्या होता है? लिगामेंट में अत्यधिक खिंचाव हो जाना, और स्प्रेन और स्ट्रेन जो होता है मांसपेशी और टेंडन में खिंचाव होना, ठीक है। इस प्रकार डिसलोकेशन, ब्रसाइटिस और स्प्रेन ये आपके ज्वाइंट्स की चोट है, बट स्ट्रेन नहीं है। नेक्स्ट है, हमारे हृदय में कितने पंप होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अटपटा सा पूछा है, कितने पंप? आप जानते हैं कि यहाँ पे आंसर आपका 2 दिया है, बट जैसे कि आप जानते हैं हृदय के दो भाग हैं, दया भाग और बाया भाग। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऊपर के 2 कक्ष को हम अलिंद कहते हैं, नीचे के 2 कक्ष को हम निलय कहते हैं, ठीक है। हृदय हमारा पंप की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट दोस्तों, हृदय कितने सेकेंड के लिए आराम करता है? जैसे कि आप जानते हैं हृदय के एक धड़कन में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, उसमें से 0.8 सेकेंड से 0.4 सेकेंड यह क्या करता है? रिलैक्स रहता है, आराम करता है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल में टॉप स्पिन किसके कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है रिबाउंड करके कोण को छोटा करने के लिए। नेक्स्ट, टेनिस खेल में अगर बॉल को कट या चॉप शॉट मारा जाए तो निम्न में से क्या होगा? तो यहां पे आपका आंसर सही हो जाएगा स्पिन। क्या होगा? स्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुआ था 1930 हैमिल्टन कनाडा में। अब आपको पूछ सकता है कि 2022 में कहां पे आयोजन हुआ है? तो दोस्तों 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, और इसमें भारत 4th स्थान पे है, ये याद रखना है आपको। और भारत ने कुल 61 मेडल
प्राप्त किया है, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज मेडल। एंड 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। एंड यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जो फ्लैग बैरियर यानी ध्वजवाहक होते हैं, तो ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं एंड मनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, वो ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे। एंड समापन समारोह में शरत कमल जो टेनिस खिलाड़ी हैं, निकहत जरीन जो मुक्केबाज हैं, ये आपके ध्वजवाहक थे। तो भारत चौथे स्थान पर है और 61 मेडल प्राप्त किया है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है अफ्रीका और एशियन देशों के मध्य होने वाले विशेष खेलों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एफ्रो एशियन गेम, जिसकी शुरुआत 2003 से हुआ है। नेक्स्ट है भारत में स्कूल के खेलों को कौन संचालित करता है, तो SGFI यानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ है। नेक्स्ट, किसने एथेंस से ओलंपिक के आयोजन स्थल तक मशाल लाने की परंपरा को शुरुआत किया था, तो कार्ल डाइम ने। सबसे पहले मशाल जलाया गया, मशाल का प्रयोग किया गया 1928 अनधिकारिक तौर पर, और आधिकारिक तौर पर 1936 बर्लिन जर्मनी में शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस चोट का उपचार आप स्वयं रूप से नहीं कर सकते, तो दोस्तों यहां पे ऑप्शन है कि स्प्रेन, गुम्बर्ड, एब्रेशन। तो इसका उपचार तो हम स्वयं से कर सकते हैं, बट फ्रैक्चर का उपचार यानी फ्रैक्चर मतलब हड्डियों का टूटना, इसका उपचार हम स्वयं से नहीं कर सकते, हमको इलाज के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी किस चोट के बचाव के लिए सीन गार्ड पहनते हैं दोस्तों, तो गुम्बड़ होता क्या है कि एकाएक जोरदार प्रहार से हमारे वहां पे मतलब कि उठ जाता है एक गुम्बड़ के जैसा और वहां पे नीला पड़ जाता है, तो इस प्रकार अचानक से लगने वाली चोटें होती है जिसको बचाव के लिए फुटबॉल और हॉकी में खिलाड़ी सीन गार्ड का प्रयोग करता है। इसमें से आपका स्टिच स्प्रेन क्या है, लिगामेंट में अधिक खिंचाव हो जाने से होता है। स्टिच क्या है, जब दौड़ते समय हमारे पेट में एकाएक दर्द होता है पेट के निचले भाग में, उसको स्टिच बोला जाता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, हमारे घुटने के नीचे में अचानक किसी अधिक तनाव से बाल यानी लाइन आ जाता है, उसे स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। नेशन इन में से किस खेल में समानता सबसे अधिक फुट डिसलोकेशन होता है, तो ये अक्सर ज्यादातर जिम्नास्टिक वाले खेल में ऐसा ज्यादातर होता है। नेक्स्ट है, ब्लड प्लाज्मा में पानी की कितना प्रतिशत होता है, तो दोस्तों प्लाज्मा में पानी 90% एंड प्रोटीन 8 से 9% होता है। और प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं दोस्तों, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथोमिन, फाइब्रोनोजन, जिसमें से प्रोथोम्बिन फाइब्रोनोजन इन दोनों का निर्माण होता है यकृत में। अब प्रोटीन जो प्लाज्मा होता है यह कार्य क्या करता है दोस्तों, यह पोषक तत्वों नमक, ग्लूकोज, अमीनो एसिड सबको उत्तकों तक पहुंचाता है तथा उत्तकों से बेकार पदार्थ जैसे कि यूरिया एसिड, अमोनिया, लैक्टिक एसिड, CO2 को बाहर निकालता है। एंड दोस्तों हमारे शरीर में रक्त दो प्रकार का होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है वो हमारे रक्त का 55% भाग होता है और जो ब्लड सेल्स होता है वो 45% भाग होता है। ब्लड सेल्स के अंतर्गत हमारा RBC, WBC, प्लेटलेट्स आता है। नेक्स्ट, चाय, कॉफी, कोला, ड्रिंक्स, आहार संबंधी दवाइयों में कौन सा उत्तेजक पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों, तो वह होता है आपका कैफीन। यह कैफीन जो है इन सब में पाया जाता है, ये विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले दवाइयां हैं। नेशन इन में से किस खेल में सबसे अधिक डिसलोकेशन नामक चोट लगती है, तो यह आपका लगता है सबसे अधिक जिम्नास्टिक में।
नेक्स्ट है, अगर मांसपेशी में मायोसिन का परसेंट 50 से 55 है तो एक्टिन का प्रतिशत कितना होगा? तो एक्टिन का परसेंट होगा आपका 20 से 25%। जैसा कि दोस्तों जानते हैं हमारा मांसपेशी जो है कैसे कंट्रैक्ट होता है, कैसे संकुचित होता है, तो हमारे मांसपेशी में मायोसिन होता है। क्या होता है? मायोसिन ऐसे ऐसे हैंड जैसा होता है, एक्टिन मायोसिन होता है, ठीक है, तो ऐसे होता है, तो ये क्या करता है, और हमारा एक्टिन होता है इस तरीके से, तो एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे पर खिसकते हैं तो हमारा मांसपेशी जो है कंट्रैक्ट होता है। तो जो मायोसिन की संख्या 50 से 55% रहेगा तो एक्टिन का परसेंट 20 से 25%। यहाँ पे मूवमेंट जो है, जो मायोसिन होता है अपने स्थान पर होता है, मूवमेंट करता है आपका उसके हेड जो होते हैं ये सभी आपका मूवमेंट करते हैं। इस एक्टिन में जो गैप होता है इसमें फंसते जाते हैं, फंस के ये आगे बढ़ाते जाते हैं, जिससे हमारा मांसपेशी जो है वो कंट्रैक्ट होता है। कैसे कंट्रैक्ट होता है? हमारे सीएनएस से, हमारे मस्तिष्क से उसको भेजा जाता है न्यूरॉन के माध्यम से, तंत्रिका कोशिका के माध्यम से एक्शन पोटेंशियल, जिसे हमारी मांसपेशी कार्य करती है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर अंतर श्वसन में ली गई O2 की मात्रा 20% है तो वह श्वसन में लगभग कितनी होगी? जैसे कि जानते हैं हमारे वातावरण में 21% या 20 से 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। जब हम श्वास ग्रहण करते हैं तो 20 से 21% ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, बट बाहर निकालते हैं कितना? 16%, ठीक है। उसी प्रकार हम 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, बस बाहर निकालते समय 4.01% बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजन हम लेते हैं 78%, और पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है 78% ही, ठीक है। नेक्स्ट, पल्मोनरी एडिमा नामक विकार में निम्न में से किसमें तरल पदार्थ भर जाता है? तो वायु कोष्ठकों में, जो वेल्युलाई होती है उसमें तरल पदार्थ भर जाता है पल्मोनरी एडिमा नामक रोग में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमायोग्राफी नामक यंत्र द्वारा किस दौरान मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता मापी जाती है? तो मांसपेशियों की क्रियात्मक क्षमता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी यंत्र का। लेकिन इसको किस दौरान मापा जाता है? संकुचन के दौरान, जब मांसपेशी कंट्रैक्ट होती है तब। नेक्स्ट है, स्प्रेन नामक चोट घुटने, कलाई या टखने में निम्न में से कब लगती है? तो दोस्तों, यह अधिक मुड़ने वाले गति होने के कारण ऐसी होती है। नेक्स्ट है, कई अभ्यास स्ट्रेस फ्रैक्चर से संबंधित होते हैं जिससे हड्डियों में बाल आ जाता है, यह शरीर के किस अंग में सबसे अधिक लगती है? तो यह हमारे पैरों में, वो भी घुटने के नीचे ज्यादातर होता है। नेक्स्ट है, कार्डियक आउटपुट निलय द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा में से संबंधित अवधि के संबंध में क्या सही है? तो दोस्तों, एक मिनट में हृदय के द्वारा, बाएं निलय के द्वारा जितना रक्त शरीर की तरफ पंप किया जाता है उसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? हृदय एक बार में जितना रक्त को शरीर की तरफ पंप करता है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यह हमारा 70 ml तक होता है, और हमारा हार्ट रेट कितना होता है प्रति मिनट? 72 बार। जब 70 और 72 का गुणा करेंगे तो 5000 कुछ आएगा, ठीक है, 5004 कुछ आएगा, ठीक है। इस प्रकार 5.04 लीटर जो है एक मिनट में हमारा हृदय रक्त को पंप करता है, तो कार्डियक आउटपुट कितना हो जाएगा? 5.04 लीटर। निम्न में से यह कथन किसके लिए सही है कि ऐसी मशीन जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वह होती है हमारी मांसपेशियां। मांसपेशियां क्या करती है? शरीर में रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट, कौन सा शारीरिक अंग फ्लैट बैक से संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है लंबर यानी कमर वाले भाग में, फ्लैट बैक। अब फ्लैट फुट बोलता तो आपका पौधे यानी कि पैर वाले भाग में, पैर के जो तलवे होती है वो सपाट हो जाता है,
समतल हो जाता है उसे फ्लैट फुट बोलते हैं। अब फ्लैट बैक बोलेगा तो आप कमर वाले भाग से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग फेफड़ों में भोज्य पदार्थों का नहीं जाने देता है? दोस्तों जैसे कि हम जो लैरिंग्स वाले भाग में जाते हैं वहां पे आपको इपिग्लोटिस मिलता है। इपिग्लोटिस क्या होता है, जब हम श्वास लेते हैं तो भोजन नली को बंद कर देता है और भोजन जो है श्वास नली में नहीं जाने देता, और जब हम भोजन श्वास लेते हैं जब भोजन करते हैं तो श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किसने लड़कों के लिए स्काउट की शुरू किया? तो डॉक्टर एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, भारत के विद्यालयों के खेलों के विकास के संबंध में भारत सरकार ने किस संस्था का गठन किया है? दोस्तों तो वो है SGFI यानी कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1954 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? दोस्तों तो पानी में घुलनशील BC और H है, और वसा में घुलनशील ADE K है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विटामिन बी जो है पानी में घुलनशील हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? दोस्तों लार ग्रंथि से टायरिन नामक एंजाइम निकलता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारे मुख में पाई जाती हैं, यानी कुल 6। टायरिन जो है कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वॉलीबॉल खेल से क्या संबंधित है? दोस्तों बोनस लाइन, बक लाइन, ए कबड्डी से रिलेटेड है, जबकि अटैक लाइन जो है आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हृदय के किस भाग में महाधमनी जुड़ी रहती है? तो महाधमनी यानी एरोटा, जो सबसे बड़ी धमनी होती है, यह बायां नीले से जुड़ी रहती है। बायां नीले से, जब माया बायां नीले संकुचित होता है तो एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में रक्त जाता है और समस्त शरीर में महाधमनी के द्वारा छोटी बड़ी शाखाओं के द्वारा पहुंच जाता है। निम्न में से लचकता किससे संबंधित है? तो लचकता दोस्तों जोड़ों से ज्यादातर संबंधित होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक। नेक्स्ट, निम्न में से किस खेल में एक टीम में पुरुष और महिला दोनों रहते हैं? तो कॉर्फ बॉल में एक टीम में पुरुष महिला दोनों रहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, तैराकी की कितनी शैलियां होती हैं? तो तैराकी की 4 शैलियां होती है, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बेस्ट स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। इसमें से दोस्तों फ्री स्टाइल सबसे तेज गति की तैराकी की शैली है, ये ध्यान में रखिएगा, और यह सबसे अंत में कराई जाने वाली प्रक्रिया होती है, प्रतियोगिता होती है, और सबसे तेज गति की होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी ने गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक लिखी है? तो बलबीर सिंह ने लिखा है गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक को। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक में एथलीट की एक स्पर्धा में एक देश से कितने एंट्री आ सकते हैं, यानी कितने लोग भाग ले सकते हैं एथलीट की एक स्पर्धा में ओलंपिक में? तो 3, एक देश से 3 खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है फारेनहाइट में? तो 98.6 फारेनहाइट होता है, बट यहाँ पे नहीं दिया है, तो 98.4 फारेनहाइट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मुख्यतः किसके कारण थकान होती है? जैसा कि आप सबको पता है, कई बार रिपीट हो चुका है, दुधारम यानी कि लैक्टिक एसिड के कारण हमारे शरीर में थकान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओलंपिक के समापन की घोषणा कौन करता है? दोस्तों तो IOC का अध्यक्ष जो है ओलंपिक की समापन की घोषणा करता है, जबकि उद्घाटन की घोषणा मेजबान देश का राष्ट्रपति या अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, हॉकी खेल के दौरान अगर बाल गोलकीपर के पैर में फंस जाए
तो मैच पुनः कैसे प्रारंभ होगा? तो बूली के द्वारा प्रारंभ होगा। पुनः मैच कैसे प्रारंभ होगा? बूली के द्वारा। नेक्स्ट है ऊंची कूद यानी कि हाई जंप का लैंडिंग एरिया कितना होता है? तो दोस्तों ऐसे साधारणतः आपका 5x3 मीटर होता है, बट अंतरराष्ट्रीय प्रोफेशनल गेमों में आपका होता है 6x4 मीटर। कितना होता है? 6x4 मीटर। तो दोस्तों ये था 50 MCQ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जो भी डाउट होगा वो भी कमेंट में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।